जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम आ रहा हूं मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड और टीवी सीरियल से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स पर फिल्म बनाना रोहित शेट्टी को बहुत पसंद है और दर्शक ने भी उनकी इन फिल्मों को हाथों हाथ लिया है। अजय देवगन को उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक पुलिस ऑफिसर के रूप में पेश किया, जबकि रणवीर सिंह को लेकर उन्होंने सिम्भा बनाई। अगले महीने उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने जा रही है, जिसमें अक्षय कुमार पुलिस ऑफिसर के रोल में होंगे। इस समय रोहित फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन में व्यस्त हैं और उसके बाद वे अपनी अगली फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। वैसे भी रोहित फटाफट फिल्में बनाना पसंद करते हैं और साल डेढ़ साल में उनकी एक फिल्म आ जाती है। रोहित ने हाल ही में बताया कि वे अजय देवगन को लेकर सिंघम 3 को शुरू करने जा रहे हैं। वे इस समय किसी नए पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर को लेकर फिल्म बनाने के मूड में नहीं हैं और सिंघम सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। सिंघम 2011 में रिलीज हुई थी और इसने भारी सफलता हासिल की थी। 2014 में दूसरा भाग सिंघम रिटर्न्स के रूप में आया और अब वे 6 साल बाद तीसरा भाग शुरू करने वाले हैं। सिंघम सीरीज की दोनों ही फिल्में को भारी सफलता मिली और टेलीविजन पर भी ये फिल्में बेहद देखी जाती हैं। रोहित ने सत्ते पे सत्ता के रीमेक को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की, जो लगातार चर्चाओं में है। फराह खान का निर्देशन करने वाली है। रोहित के अनुसार 1982 में रिलीज हुई सत्ते पे सत्ता से ये फिल्म बिल्कुल अलग होगी। फिलहाल फराह खान इसकी स्क्रिप्ट लिख रही है। इस फिल्म के बारे में फाइनल होते ही इसकी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वेल दोस्तों, आपको सिंघम 3 का कितना इंतजार, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।